हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं मिसलेनियस एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर थर्ड। तो इसमें क्या करेंगे, हम एग्जांपल 25th, 6th, 7th, 8th and 9th कवर करेंगे। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एग्जांपल देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका एग्जाम्पल वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर अभी तक आप लोगों से यहाँ तक की हमने कवर कर ली है अप टू एक्सरसाइज 3.4, अगर आपसे यहाँ तक की कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन मिस हो चुका है तो उन सबका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आप जाके प्ले लिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जाम्पल 25th। If sin x is equal to 3/5 and cos y is equals to -12/13, where x and y both lie in the second quadrant, तो find the value of sin x plus y। तो सबसे पहली बात, हमें यहाँ sin x और cos y की वैल्यू दे रखी है और बोला गया है कि दोनों के दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं। तो हमें पता है दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन एंड कॉसिकेंट आर पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेकेंट पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। ठीक है, अब हमें बात करनी है यहाँ पर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहली बात, हम साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। हमने पढ़ रखा है साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला, ये मैंने फॉर्मूलाज आपको ट्रिक लर्न करवाई थी, तो ये फॉर्मूलाज थे। कैसे फॉर्मूलाज थे, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। अगर आपसे वो वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो जिसमें मैंने आपको नियर अबाउट 80 फॉर्मूलाज बताए थे, उनको लर्न करने की ट्रिक बताई थी, तो अगर वो आपसे वीडियो मिस हो चुकी है तो उसका पर्टिकुलर लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर मैं फटाफट से ट्रिक बताने वाली हूँ। इन फॉर्मूलाज को लर्न करने की क्या ट्रिक थी, हम लर्न करते हैं कॉस की फुल फॉर्म, सी फॉर कॉस, ओ फॉर ऑपोजिट साइन, एस फॉर सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि अगर कॉस का फॉर्मूला है तो ऑपोजिट साइन लगेगा, यानी कि अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव लगेगा, और सेम फंक्शंस आएंगे। तो इनकी कॉस है तो कॉस कॉस, देन साइन साइन, एंड सेम साइन के लिए बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। साइन के लिए ऑपोजिट साइन नहीं, सेम साइन हो जाएंगे, और सेम फंक्शंस नहीं, ऑपोजिट फंक्शंस हो जाएंगे। जैसे कि साइन सेम साइन हो गया, एंड साइन साइन ना के साइन कॉस एंड कॉस साइन आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला कौन सा चाहिए, हमें चाहिए साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला चाहिए। तो साइन एक्स प्लस वाई के फॉर्मूले के लिए क्या होगा, सेम साइन रहेगा और डिफरेंट फंक्शंस आएंगे। तो अगर साइन एक्स है तो कॉस वाई, देन कॉस एक्स साइन वाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो साइन एक्स की वैल्यू है, हाँ जी है, कॉस वाई की वैल्यू है, हाँ जी है, कॉस एक्स की वैल्यू नहीं है मेरे पास, एंड साइन वाई की भी वैल्यू नहीं है मेरे पास। इन दोनों की है, इन दोनों की नहीं है, तो मेरे को अभी पहले कॉस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन वाई की फाइंड करनी है, फिर दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके सॉल्व करना है, बस इतनी सी बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं कैसे फाइंड करूंगी कॉस एक्स की वैल्यू, मेरे को साइन एक्स की वैल्यू गिवन है ना, तो हमें आइडेंटिटी भी पता होती है क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन। तो साइन क्या दे रखा है, 3/5, यहां से हम कॉस एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ये प्लस का, इधर आके माइनस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 9/25, 25 एलसीएम, 25 माइनस 9, दिस इज 16/25, स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, और रूट से बाहर जब आते हैं तो क्या लगेगा, प्लस माइनस 4/5। अब यानी कि यहाँ से आपके पास वैल्यू आ रही है, कॉस एक्स की वैल्यू आ रही है प्लस माइनस 4/5। नाउ यू हैव टू ऑप्ट कि आपको प्लस लेना है या नेगेटिव लेना है, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक्स वाई दोनों के दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में है, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो कॉस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव और कॉसेकेंट पॉजिटिव होता है। तो कॉस नेगेटिव है तो हम यहाँ पे क्या ऑप्ट करेंगे, यस नेगेटिव ऑप्ट करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि कॉस एक्स इज इक्वल टू -4/5। यहाँ रीजन लिख देंगे कि क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है इसीलिए। ठीक है, अब हमारे पास इसकी वैल्यू है, इसकी दे रखी है, ये निकाल ली, अब इसकी निकालनी है। इसकी कैसे निकालेंगे, ये दे रखी है तो यही आइडेंटिटी लगाकर इसकी निकाल लेते हैं।
फिर से लगाएंगे हम साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वन। साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू चाहिए, कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस 12/13, ये आ गया 144, 169 माइनस आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, ये आ गया आपके पास 25/169। तो साइन y कितना आ जाएगा, रूट लग जाएगा प्लस माइनस, तो जब ये रूट से बाहर आएंगे क्या आएगा 5/13। नाउ द क्वेश्चन इज अब क्या लें, पॉजिटिव या नेगेटिव। अभी भी हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसके लिए हम क्या लेंगे, साइन पॉजिटिव लेंगे 5/13। अब ब्रैकेट में लिख देंगे क्योंकि ये कहाँ पे है, हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तब हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई, चारों की वैल्यूज हैं, इसी के अंदर फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स दैट इज 3/5, कॉस वाई दैट इज -12/13 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या निकाली है, -4/5, साइन वाई की वैल्यू क्या निकाली है, 5/13। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा, -36, 65, 5 से 5 कैंसिल, -4/13, एलसीएम आ जाएगा 65 -36 -5, 5 × 4 = 20, दिस इज -56/65 एंड दैट इज योर आंसर। तो ये तो कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो -56/65 ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 25th। चलिए करते हैं एग्जाम्पल 26th। तो एग्जाम्पल 26 क्या कह रहा है, प्रूव दैट cos 2x cos x by 2 माइनस cos 3x प्लस cos 9x by 2 इज इक्वल टू sin 5x sin 5x by 2। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखते ही हम क्या देखेंगे कि क्या इनके एंगल सेम है, cos x cos y cos x ऐसा है, नहीं, ये चारों के चारों एंगल ना डिफरेंट है। ओके, तो चारों एंगल डिफरेंट है, तो यानी कि हम यहाँ पर cos x cos y cos y cos x का वाला फॉर्मूला ऐसा तो कुछ फॉर्मूला नहीं लगा सकते, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर अलग फॉर्मूला लगाएंगे और इसके ऊपर अलग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही डिफरेंट एंगल्स हैं, ये दोनों डिफरेंट एंगल्स हैं। अच्छा, तो जब हम इसके ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है, cos x cos y, है ना, ऐसा तो हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा, हमने तो पढ़ रखा है कि 2 cos x cos y, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या होता है ये फॉर्मूला, तो ये हमने चार फॉर्मूले डिफरेंट पढ़ रखे हैं, 2 cos x cos y cos x plus y plus cos x minus y, ऐसे ही साइन के लिए, फिर ऐसे ही डिफरेंस के लिए, राइट, ये हमने पढ़ रखे हैं। तो अब यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला तो हम लगा सकते हैं एक पे, फिर इस पे अलग से लगाएंगे, तो ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 का, दैट इज cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। लेकिन प्रॉब्लम इज यहाँ पर 2 तो है ही नहीं, है ना, तो अब हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब मैथ में कोई ऐसा मैजिक तो नहीं हो जाता ना कि अपने आप ही जहाँ चाहिए 2 वहाँ 2 लगा दो, हमें क्या करना पड़ता है, हमें बैलेंस करना पड़ता है, यानी कि अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 मुझे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो मैं ऐसे ही करूँगी, मैं क्या करूँगी, मैं 1/2 से डिवाइड एंड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी इस पूरी इक्वेशन को, सो दैट ये भी 2 cos x cos y बन जाए और ये भी 2 cos x cos y, क्योंकि इसके ऊपर भी तो फॉर्मूला लगाना है मुझे, है ना। तो मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड को विद 1/2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो अंदर लिख देते हैं हम cos 2x cos x by 2 माइनस cos 3x cos 9x by 2। अब 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी सो दैट मैं ये वाला फॉर्मूला इस पे भी लगा सकूं, ये वाला फॉर्मूला इस पे भी लगा सकूं। तो 1/2 एज इट इज बाहर, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 cos 2x cos x by 2, अब ये 2 अंदर इधर भी जाएगा, 2 cos 3x
cos 9x by 2, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं और इसके ऊपर भी यही फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो लगाते हैं फटाफट से। तो 1 by 2 बाहर वाला तो एज इट इज, ये हो गया 2 cos x cos y, x ये है y ये है, तो अब लगाओ cos x plus y plus cos x minus y, तो लिखते हैं cos x plus y, x and y, x plus y plus cos x minus y, तो इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, बीच में क्या है माइनस, बीच में माइनस लगा देते हैं। अब यहाँ पर फिर से ये फॉर्मूला लगेगा 2 cos x cos y, अब यहाँ x ये है y ये है ना, तो यहाँ फॉर्मूला यही लगाएंगे हम, क्या बनेगा cos x plus y। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ प्लस है लेकिन बाहर माइनस है, तो वो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। दोबारा देखिए, यहाँ फॉर्मूले में प्लस है लेकिन बाहर माइनस है, तो मैं यहाँ पर साइन पहले ही माइनस कर रही हूँ। अगर आपने इसको ऐसे करना है कि यहाँ प्लस लगाना, तो यहाँ पर ब्रैकेट लगेगी, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट में कर दूंगी प्लस। तो कॉस एक्स माइनस वाई दैट इज 3x माइनस 9x बाय 2, एक ये वाली ब्रैकेट और एक ये बाहर वाली ब्रैकेट लगा दी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं इसको, दिस विल बी कॉस, एलसीएम ले लेंगे, 4x प्लस x 5x बाय 2, इसका भी एलसीएम आ जाएगा 4x माइनस x दैट इज 3x बाय 2, 3x by 2। अब देखो माइनस ये इसका एलसीएम लेंगे तो 6x plus 9x कितना हो जाएगा 15x by 2। अब ब्रैकेट से बाहर आ रहा है तो नेगेटिव, ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे 6x minus 9x क्या हो जाएगा minus 3x by 2, और ये बड़ी वाली ब्रैकेट। अब हमें इतना अच्छे से पता है कि ये जो होता है ना cos माइनस एक्स जो होता है वो कॉस जो होता है वो माइनस को खा जाता है, तो क्या बचता है कॉस एक्स बचता है, यानी कि इसको हम सिंपल 3x लिख सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 बाय 2 कॉस 5x बाय 2 प्लस कॉस 3x बाय 2 ये हो जाएगा माइनस का कॉस 3x बाय 2। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का क्या हो गया कैंसिल, क्या बच गया आपके पास सिर्फ cos 5x by 2 minus cos 15x by 2। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, दिस इज 1 by 2 cos 5x by 2 minus cos 15x by 2, ठीक है। अब ये सॉल्व करके आ गया लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो साइन में चाहिए, तो सोचिए और कुछ लग सकता है, हाँ जी यहाँ पे एक और फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा cos x cos y, तो यहाँ पे cos x माइनस cos y का फॉर्मूला लग सकता है, और वो क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है आपके पास cos x माइनस cos y माइनस 2 sin x प्लस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2। तो आई होप आपको अभी तक इम्पॉर्टेंस पता चल गई होगी उस वीडियो की, जिस वीडियो में मैंने नियर अबाउट 80 फॉर्मूलाज बताए हुए हैं और उनको सबको लर्न करने की ट्रिक भी बताई हुई है साथ के साथ, ठीक है। तो आई होप आपने वो अभी तक विजिट कर ली होगी, अगर आप साई बटन मिस हो चुका है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखने वाली हूँ मैं, माइनस 2 साइन एक्स प्लस 5 बाय 2 साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। अब इसको हम इसी फॉर्मूले से ओपन कर देंगे, बाहर माइनस वन बाय बाहर वन बाय टू चल रहा है, चलने दो, अंदर क्या आएगा माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2, एक्स इज दिस एंड वाई इज दिस, तो एक्स प्लस वाई बाय 2 साइन एक्स माइनस वाई बाय 2, और ये बड़ी वाली ब्रैकेट, ठीक है। अभी 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया माइनस साइन, अब इसको हम प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 20 बाय 2 दैट इज 10x, 10x बाय 2। अब इधर देखिए दिस इज 5 माइनस 15 माइनस 10 बाय 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस 5x, और ये 2 2,
ठीक है, अभी जो साइन होता है, साइन के अंदर जो माइनस एक्स होता है वो बाहर आ जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाता है। कॉस तो उसको खा जाता है लेकिन ये उठा के बाहर फेंक देता है। तो ये उठा के जब बाहर फेंकेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस और ये कैंसिल हो जाएगा, फाइव साइन फाइव एक्स, साइन फाइव एक्स बाय टू। क्या हमें यही प्रूव करना था? डेफिनेटली। तो ये रहा आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमने इस एग्जाम्पल में क्या किया है, इस एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले देखा कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। चारों के चारों एंगल डिफरेंट थे, इस वजह से इसके ऊपर अलग फॉर्मूला लगा, इसके ऊपर अलग फॉर्मूला लगा। टू की दिक्कत आ रही थी तो टू की दिक्कत हमने वन बाई टू टू करके सॉल्व कर दी, दोनों के ऊपर अलग अलग फॉर्मूला करके ओपन करा, जो कैंसिल हो रहा था कैंसिल कर दिया, जो बच गया फिर देखा उसके ऊपर कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। उसके ऊपर देखा हमने ये वाला फॉर्मूला लग रहा था, फिर हमने इसको फिर से ओपन कर दिया, सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ये था एग्जाम्पल 26। चलिए करते एग्जाम्पल 27। तो अब करते हैं एग्जाम्पल 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8। तो tan पाई बाई 8 की तो हमारे पास वैल्यू नहीं होती, हमारे पास किसकी किसकी वैल्यू होती है, हमारे पास होती है वैल्यू पाई बाई 6, 4, 3, 2, 3 पाई बाई 2, पाई 2 पाई, इन सब की वैल्यू होती है, कहीं हमें पाई बाई 8 नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो क्या किया जाए, तो हमारे पास अगर नॉर्मली ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे फॉर्म में लिखते हैं, हम उसको क्या करते हैं, या तो यहाँ पे होता है ज़ीरो, दिस इज पाई बाय टू, दिस इज पाई, दिस इज थ्री पाई बाय टू। तो हम क्या करते हैं, हम या तो पाई बाय टू के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं उसका प्लस माइनस करके, है ना, या फिर हम पाई के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं प्लस माइनस करके, या इसके साथ या फिर इसके साथ टू पाई के साथ, ऐसा ही कुछ बनाते हैं हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको दे रखा है 150 डिग्री, 150 डिग्री क्या होता है, 5 पाई बाय 6 होता है, ठीक है। तो 150 हमें पता है, पाई में से अगर हम 30 माइनस करते हैं तो 150 डिग्री बन जाता है। तो हम इसको 5 पाई बाय 6 को कैसे लिखते थे, 180 माइनस 30, ये हमने लिख दिया, आ गया 5 पाई बाय 6, ऐसे लिख देते थे। लेकिन क्या हम पाई बाय 8 को ऐसे लिख सकते हैं, पाई बाय 8 क्या हुआ, पाई बाय 8, इसको कैंसिल करेंगे पूरा का पूरा आता है 22.5। तो 22.5 डिग्री, इसको तो हम किसी के साथ भी प्लस माइनस करके हम सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। यहाँ क्या होता था कि हाँ जी हमारे पास 30 की वैल्यू होती थी तो हम क्या करते थे, प्लस माइनस करके तो सॉल्व कर लेते थे। अब 22.5 की तो कहीं वैल्यू ही नहीं है, इसका हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से ना हमें एक आइडिया लग रहा है क्या, कि 22.5 जो है ना, अगर मैं इसका डबल करती हूँ, डबल ऑफ 22.5 करते हैं तो ये 45 डिग्री बनता है, है ना। तो यानी कि अगर ये आपका एंगल मान लो कोई एक्स है, टेन एक्स है, तो यहाँ पर बार क्या हो गया, 2x हो गया, तो ये आ गया 45 डिग्री। यानी कि हमें यहाँ पर कोई ना कोई फॉर्मूला ऐसा लगाना पड़ेगा जो इसको 45 बना दे, है ना। तो हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, टेन 2x का फॉर्मूला है हमारे पास ऐसा, तो यस डेफिनेटली हम वो लगा सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए कैसे लगाएंगे, tan 2x इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड को देखो, tan 2x क्या है आपके पास, ये है पाई बाई 8 इज इक्वल टू 2 tan x क्या है, पाई बाई 8 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। अब 2 को इसे कैंसिल कर दिया, 4 tan पाई बाई 4 क्या होता है, 1, आ गया हमारे पास tan पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में क्या है, tan पाई बाई 8 अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है। तो अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो हमने सॉल्व कर लिए, 1 आ गया, लेकिन प्रॉब्लम तो अभी भी वही आ रही है कि पाई बाई 8 हट ही नहीं पा रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार के लिए ना इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल टू 2 tan पाई बाई 8। अब मैं सारी टर्म उठा के राइट हैंड साइड में लेकर जाती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव का है, ये आ जाएगा नेगेटिव का। तो इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, क्या आपको ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लग रही है, जिसमें tan पाई बाई 8 स्क्वायर की फॉर्म में है, यहाँ पर नॉर्मल है और यहाँ पर एक कोई चीज़ कांस्टेंट है, राइट। तो अगर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ चुकी है तो हम क्वाड्रेटिक को भी तो सॉल्व कर ही सकते हैं,
हमें आता है ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना, तो हम यहाँ कर लेते हैं कि लेट टेन पाई बाई एट कोई भी हम मान लेते हैं, वाई मान लो, ठीक है, एक्स नहीं मानेंगे क्योंकि एक्स तो हमने यहाँ पर फॉर्मूले में ले रखा है, तो हमने कोई भी मान लिया, वाई मान लिया, या आप ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, कोई भी आप अल्फाबेट मान सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वाई स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये आ चुकी है आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है अच्छे से, कैसे करते हैं इसको सॉल्व, मैं अलग पेज पे लिख रही हूँ, y स्क्वायर प्लस टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हमारे को ये सारी की सारी सॉल्व करना आता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी आता है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आता है, राइट। तो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, राइट। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम, सबसे पहले तो हम लिखते हैं डी, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, है ना। तो डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर ये क्या होती है, ये होती है ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये होती है जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिससे हम इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ से ए क्या आ गया, वाई स्क्वायर का कॉफिशियंट वन, y का कॉफिशियंट b आ गया 2 एंड कॉन्स्टेंट c आ गया आपका माइनस वन। ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, b स्क्वायर इनकी 2 का स्क्वायर माइनस 4 a एंड c, ये हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 4, ये आ गया आपके पास 8। 8 इज ग्रेटर देन 0, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर होता है तो नेचर क्या होता है रूट्स का, रियल। यानी कि हमें पता चल गया कि जो हमारी वैल्यू आएगी y की वो रियल वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करते हैं, y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, y इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में टू ए, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं इसको हम, ओके। तो y इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस बी इज माइनस टू, प्लस माइनस रूट एट अपॉन में टू इंटू वन, तो ये हो गया माइनस टू। तो 8 को हम कैसे लिखते हैं, 8 का करो 4 4 4, ये हो जाएगा 2, 2 बाहर आ जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 रूट 2 डिवाइड में 2, एक बार प्लस लेंगे और एक बार हम माइनस लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, रूट 2 प्लस का, ये चीज़ माइनस की, डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल। अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, माइनस 2 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, रूट टू प्लस वन अपॉन में टू कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, एक वाई आ गया रूट टू माइनस वन, एक आ गया रूट टू प्लस वन और बाहर क्या है माइनस। तो अब वाई की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, ये वाली भी और ये वाली भी। वाई था क्या हमारा, टेन पाई बाई एट, तो टेन पाई बाई एट ये था वाई। अब इन दोनों में से मैं कौन सी वैल्यू उठाऊँ, तो पाई बाई एट क्या था, 22.5 डिग्री, यानी कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, तो यानी कि हमें ये क्या करनी पड़ेगी, रिजेक्ट, ये हम कर लेंगे एक्सेप्ट, क्योंकि जो हमारा वाई है, सॉरी जो हमारा एक्स है, जो एंगल है हमारा, वो कहाँ फॉल करता है, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टेन पाई बाई एट इज इक्वल टू वाई की कौन सी वैल्यू हम उठा रहे हैं, रूट टू माइनस वन। नाउ दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमने टेन पाई बाई एट की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली हमने, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि भाई टेन पाई बाई एट को हम इस कॉम्बिनेशन से तो सॉल्व नहीं कर सकते, फिर देखा अरे ये तो 45 डिग्री का हाफ है, तो वहाँ से हमें आइडिया लगा कि हम कोई ना कोई 2x वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो वो हमने लगाया, लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 आ गया, बट राइट हैंड साइड में अगेन पाई बाई एट ही था। तो उस पाई बाई एट को हमने देखा कि वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना रहा था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने उसको एक अलग से कोई एक लेटर मान लिया, दैट इज़ वाई मान लिया, फिर हमने उसको वाई को सॉल्व करा यूजिंग
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके लिए हमने पहले निकाला डी, फिर हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया, फिर हमने वाई की वैल्यू निकाली, वाई की टू वैल्यूज आई, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि जो हमारा एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है, तो फिर हमने टैन पाई बाय 8 की वैल्यू लिखी वाई, जो हमने ऑलरेडी लेट करी थी, और वाई की वैल्यू उठाई हमने पॉजिटिव, ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका एग्जाम्पल 27, चलिए करते हैं एग्जाम्पल 28। तो अब एग्जाम्पल करते हैं 28, उसमें क्या दे रखा है कि इफ़ tan x इज इक्वल टू 3/4 और जो x है वो पाई से बड़ा है बट 3π/2 से छोटा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x by 2, cos x by 2, tan x by 2। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ हमें एक ही जगह पे दिख रही है कि यहाँ पर tan x है और जो हमसे पूछा है वो x by 2 और x by 2, इनकी हमें एंगल का हाफ करना है ना, और हमें इंफॉर्मेशन x की दे रखी है लेकिन हमें इंफॉर्मेशन x by 2 की चाहिए, क्योंकि ये तो हमें बता दिया कि हाँ जी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि हम देख सकते हैं पाई से बड़ा बट 3π/2 से छोटा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, लेकिन हमें वैल्यूज चाहिए x by 2 की, यानी कि हमें इसमें से x by 2 की वैल्यू चाहिए। तो x by 2 के लिए मेरे को पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 2 से, तो कर दो पाई by 2 x by 2, यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 4, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई x by 2 की, यानी कि ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, 90 से बड़ा बट 3π/2 से छोटा, यानी कि हमारा जो x by 2 है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब सेकंड क्वाड्रेंट आते ही मुझे पता है कि जो साइन की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगी वैल्यू। चलो इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई मुझे। अच्छा अब बाकी की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले मुझे दे क्या रखा है, मुझे दे रखा है टैन एक्स इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, मुझे चाहिए एक्स बाय 2, ऐसे डायरेक्ट तो मुझे मिल लेने वाला है एक्स बाय 2, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ना पहले ना किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी की नहीं हेल्प लेती हूँ, जैसे टैन के अंदर किसकी आइडेंटिटी होती है हमारे पास होती है सिकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 plus tan square x, ठीक है, यहाँ से सिकेंट एक्स की वैल्यू निकालते हैं पहले, तो सो दैट मैं उसका रेसिप्रोकल कर सकूँ और कॉस एक्स की वैल्यू निकल जाए, इन शॉर्ट, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखा हमने सिकेंट स्क्वायर एक्स 1 plus 3/4 का स्क्वायर, 1 plus 9/16 एलसीएम, 16 plus 9 दिस इज 25/16 एंड सेकेंड स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे तो हो जाएगा आपका ±5/4, ठीक है। और अब हमने क्वेश्चन देखना है कि हम पॉजिटिव लें कि नेगेटिव लें, तो अब हमने किस में बात कर रहे हैं, हम ये जो x है ये x किस में है, x तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है ना, x अगर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में सीकेंट क्या होता है आपका नेगेटिव होता है, तो हम -5/4 लेंगे, ठीक है। ये याद रखना कि हम अगर x की बात कर रहे हैं तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, अगर हम x by 2 की बात करेंगे वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो हमने सीकेंट निकाल लिया, सीकेंट क्यों निकाला है, ताकि हम कॉस निकाल सकें, तो कॉस इसका बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस एक्स कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, -4/5 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो हमें चाहिए कॉस एक्स बाय 2, हम कॉस एक्स तक तो पहुंच गए हैं, ठीक है। अब मुझे एंगल के साथ खेलना है, तो एंगल को हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास कॉस के एंगल के कितने फॉर्मूलाज होते हैं, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला होता है कॉस 2x इज इक्वल टू 2 cos square x - 1, है ना। इस फॉर्मूले की ना रिलेशन देखो ध्यान से, वैसे तो cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, साइन में भी होता है, cos साइन में भी होता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मूला यही लग रहा है क्योंकि यही कनेक्शन बना रहा है एंगल के साथ, यहाँ x है यहाँ 2x है, ठीक है। तो देखो मुझे चाहिए यहाँ पर, अगर मैं इस एंगल का हाफ कर देती हूँ, ठीक है, इस एंगल को हाफ कर देती हूँ, तो क्या बचेगा मेरे पास, cos x इज इक्वल टू 2 cos square, यहाँ एंगल का भी हाफ करना पड़ेगा, x by 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अब देखो, अब मुझे वैल्यू चाहिए इसकी, मैं कैसे सॉल्व करूँ इसको, तो देखो
कॉस कर एक्स बाय टू को मैं क्या लिख सकती हूँ, हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स इधर आ जाएगा प्लस वन इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, ये टू मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, दैट विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, है ना। और मुझे वैल्यू चाहिए कॉस एक्स बाय टू की, तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या आएगा रूट में आ जाएगा, कॉस एक्स प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय टू, ये आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ये मैंने फॉर्मूले के साथ तो खेल लिया, अब फॉर्मूला उठा के मैं यहाँ पुट करने वाली हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि कॉस एक्स बाय टू लेने के लिए मेरे पास आ गया रूट कॉस एक्स प्लस वन बाय टू। ठीक है, अब कॉस एक्स की वैल्यू तो मेरे पास है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, माइनस फोर बाय फाइव प्लस वन बाय टू, ऊपर का एलसीएम आ जाएगा, दैट विल बी माइनस फोर प्लस फाइव बाय टू विच इज इक्वल टू वन बाय फाइव इंटू टू दैट इज टेन, तो ये आ गया रूट वन बाय टेन। इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो ये हमने लिख लिया कॉस एक्स बाय टू आ गया रूट वन बाय टेन, दैट कैन बी रिटन एज वन बाय रूट टेन। ठीक है, क्योंकि वन का रूट तो वन ही होता, तो ये आ गई मेरे पास एक वैल्यू। आगे कैसे आई, बहुत इजी, कैसे निकली, हमारे पास ये इंफॉर्मेशन थी, मुझे एंगल का आधा करना था, तो एंगल के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला था, तो मैंने कॉस टू एक्स का हाफ कर दिया, यहाँ पर भी हाफ हो गया, तो इसको उठा के मैं इधर लेके आती कॉस एक्स की वैल्यू निकाल दी, ये वैल्यू पुट करते ही मेरे पास आंसर आ गया। अब इसकी वैल्यू आ गई है, बट एक चीज़ और, मैंने क्या बताया था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये क्या होना चाहिए नेगेटिव, तो अगर हम रूट लगाते हैं तो उसके लिए रूट के लिए हम क्या लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे, दिस विल बी नेगेटिव, बिकॉज जो x बाय टू है वो किस में फॉल कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, दैट्स वाई। तो अब हमारे पास ये आ चुका है, साइन की निकाल लेते हैं वैल्यू, साइन की कैसे निकलेगी, वेरी सिंपल, कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू, ये तो आइडेंटिटी हमें पता ही है, ये आ चुका है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, वन माइनस वन बाय टेन, टेन एल सी एम, दिस इज नाइन बाय टेन। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन एक्स बाय टू रूट प्लस माइनस नाइन बाय टेन विच इज इक्वल टू प्लस थ्री बाय रूट टेन। अब प्लस क्यों लिया है, क्योंकि ये किस में फॉल कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है एक्स बाय टू, तो साइन एक्स बाय टू की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, थ्री बाय रूट टेन। तो आपके पास साइन की भी आ गई, अब क्या चाहिए आपको, टेन की, तो टेन का क्या फॉर्मूला रहता है, टेन एक्स बाय टू इज इक्वल टू, टेन को लिख सकते हैं साइन एक्स बाय टू अपॉन में कॉस एक्स बाय टू, तो ये है थ्री रूट टेन, ये है आपका माइनस वन बाय रूट टेन, रूट टेन से रूट टेन कैंसिल, तो ये कितना आ गया आपके पास, टेन एक्स बाय टू, माइनस भी बचा हुआ है तो माइनस थ्री इज द आंसर। तो आपके पास कॉस की भी आ गई, साइन की भी और टेन की भी। तो हमने सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप पर फोकस किया है, क्या कि हमने एंगल का कैसे हाफ किया, है ना। तो पहले तो हमने देखा पहले कौन से क्वाड्रेंट में था, फिर कौन से क्वाड्रेंट में था, उससे हमने टैन से सेकेंड की वैल्यू, सेकेंड से कॉस की, कॉस आते ही हमने एंगल का हाफ, एंगल का हाफ आते ही कॉस भी आ गया, साइन भी आ गया और टैन भी। ये था एग्जांपल 28, चलिए करते एग्जांपल 29। तो अब एग्जांपल 29 विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, कैसे करेंगे, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस फाइव बाई थ्री कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फाइव बाई थ्री इज इक्वल टू थ्री बाई टू। तो हमारे पास सबसे पहली बात हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई का तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर्स हैं, तो सबसे पहले हमें स्क्वायर्स को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर को हटाने के लिए मेरे पास कॉस के कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं, तो सीधी सी बात है हमने अभी अभी एक फॉर्मूला किया है, उसी की हेल्प ले लेते हैं, दैट इज कॉस टू एक्स का फॉर्मूला क्या था आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, यही था। ठीक है, सॉरी टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन ये था, राइट तो अब यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर है और ये पे यहाँ पर सिंपल है, तो मैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स के फॉर्मूला वैल्यू निकाल सकती हूँ, कैसे, कॉस टू एक्स ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, ये हो गया टू कॉस स्क्वायर एक्स, अब टू मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा,
cos 2x plus 1 by 2. तो यानी कि ये मैंने सिंपल कनेक्शन निकाल लिया स्क्वायर का और नॉर्मल का, ठीक है. अब cos स्क्वायर x की जगह पे ये मैं पुट कर सकती हूँ, और जहाँ पर भी x होगा यानी कि ये होगा, तो यहाँ पे 2x की जगह पे ये आ जाएगा. कैसे देखते हैं, पुट करते हैं. सबसे पहले इसकी जगह पे मैं लिखूँगी ये वैल्यू. तो हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो उठाओ cos 2x plus 1 by 2 इसकी जगह पे लिख दिया प्लस. अब इसकी जगह पे जो x है वो उसकी जगह पे ये आना चाहिए. तो देखो कैसे लिखेंगे, cos 2x तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दो पहले, तो 2x plus 2 pi by 3 plus 1 by 2. तो देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ हमने x की जगह पे ये वाला एंगल फॉर्मूला पुट कर दिया. अब इसकी जगह पे भी पुट करेंगे हम, cos 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2x minus 2 pi by 3 plus 1 by 2. कर लिया हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया. ओके तो अब हम क्या है, सबके पास 2 2 2 है, तो 2 कॉमन ले लो 1 by 2. अंदर क्या बच जाएगा, cos 2x plus 1 cos 2x plus 2 pi by 3 plus 1 cos 2x minus 2 pi by 3 plus 1. अब देखो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तीन आ गए, 3 आ गया, 3 आगे ले लो 1 by 2 3 प्लस cos 2x प्लस cos यही एज इट इज 2x plus 2 pi by 3 प्लस cos 2x minus 2 pi by 3. अब ना मुझे ये वाला और ये वाला एक जैसे लग रहे हैं, है ना, तो मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ cos x प्लस cos y का, क्योंकि यही फॉर्मूला लगाती है ना, कुछ ना कैंसिल कैंसिल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है ना. तो ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चलती हैं, जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो. तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 2 cos x प्लस y बाई 2 एंड cos x माइनस y बाई 2, ये फॉर्मूला होता है. तो मैं इन दोनों की जगह पे ये फॉर्मूला लगाने वाली हूँ. तो लिखते हैं 1 बाई 2 एज इट इज, 3 एज इट इज, cos 2 एज इट इज, ठीक है. अब इन पे फॉर्मूला लगाएंगे हम, प्लस 2 cos x प्लस y बाई 2. नाउ दिस इज x एंड दिस इज y, तो लिखो x प्लस यहाँ पे माइनस आएगा ये ना y बाय 2 एंड cos ये रहा पूरा का पूरा x माइनस y, ये है बाहर माइनस है यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 pi by 3 एंड डिवाइड में 2, और ये बाहर ये वाली ब्रैकेट है तो बाहर ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है. अब देखो 1 by 2 as it is, 3 as it is, cos 2x as it is. अब अंदर चलिए, अंदर से ये 2 pi, 2 pi पॉजिटिव नेगेटिव खत्म, क्या बचेगा प्लस 2 cos 2x प्लस 2x 4x by 2 दैट इज 2x, ठीक है. आगे चलो cos, अब ये खत्म, क्या बचेगा 2 pi 2 pi by 3 दैट इज 4 pi by 3 by 2 दैट इज अगेन 2 pi by 3, ये आ गया आपके पास. अब इस स्टेटमेंट को मैं दोबारा से नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, तो मैंने वही लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लिया. अब ध्यान से देखिए मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे तो राइट हैंड साइड पे 3 बाई 2 प्रूफ करना है. यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 3 बाई 2 है लेकिन ये सारा का सारा एक्स्ट्रा आ रहा है ना, ये सारा का सारा एक्स्ट्रा आ रहा है. तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात ये देखिए, दिस इज 2 पाई बाय 3. 2 पाई बाय 3 क्या होता है, 2 इंटू 180 बाई 3 विच इज इक्वल टू 120, है ना. तो cos 120 को हम कैसे लिख सकते हैं, cos 120 कैन बी रिटन एज cos 180 माइनस 60, है ना. हमें पता है अच्छे से कि 180 पे जो हमारा फंक्शन है वो चेंज नहीं होता. तो cos पाई माइनस दिस विल बी इक्वल टू cos पाई माइनस x विल बी इक्वल टू माइनस cos x, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव आ जाता है, राइट. तो माइनस cos x, तो cos x कितना हो गया 60, तो माइनस cos 60. नाउ 60 कैन बी रिटन एज पाई बाय 3, है ना. तो मैं यहाँ पर cos 2x की जगह 2x 2 पाई बाय 3 की जगह पे हम माइनस cos पाई बाय 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे हम इसको, सबसे पहले 1 बाय 2 3 प्लस cos 2x
टू कॉस टू एक्स और यहाँ हम लिखेंगे कॉस पाई माइनस पाई बाय थ्री, है ना, 180 माइनस 60. तो ये 120 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 1/2 3 प्लस कॉस टू एक्स, टू कॉस टू एक्स, दिस विल बी इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय थ्री, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है, माइनस बाहर आ जाएगा, 3 प्लस कॉस टू एक्स माइनस यहाँ पे 2 cos 2x एंड cos पाई बाय 3. अब cos पाई बाय 3, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 इक्वल्स टू 1/2, राइट, तो यहाँ पे हम 1/2 पुट कर देंगे, 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x इंटू 1/2, इसकी जगह पे 1/2 पुट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 प्लस cos 2x माइनस cos 2x, अब प्लस cos 2x माइनस 2x कैंसिल, क्या बच गया, 3/2. क्या हमें यही प्रूफ करना था, यस. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कि हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाने के लिए, हम नॉर्मल लाने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला चूज़ किया. ये फॉर्मूला आते ही इसके ऊपर अलग, इसके ऊपर अलग और इसके ऊपर अलग ले आए, फिर जो इकट्ठा होता था इकट्ठा कर लिया, फिर हमने देखा ये और ये एक जैसा लग रहा है तो हमने इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया. ये फॉर्मूला आते ही हमारे पास ये और छोटी हो गई, और छोटे होते ही हमने देखा कि यहाँ पर तो 2π/3 आ रहा है, तो 2π/3 तो 120 होता है, तो इसकी वैल्यू हमें पुट करनी है मेनली. तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, 120 कैन बी रिटन एज पाई माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, पुट करने के बाद 1/2 आ कैंसिल कर दिया, काट पीट के हमारा 3/2 आ गया. ठीक है, तो ये था आपका एग्जांपल 29. थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. थैंक यू.